हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज़ जैसे कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि हमने सारी चीज़ें क्रोम की जो अपनी किट थी वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली थी। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ यार अपने इस रूफ रिल्स और अपना जो शार्क फिक एंटीना है इसके ऊपर वीडियो लेके आओ। तो गाइज़ एट द एंड वो फाइनल वो डे आ गया है। सॉरी उसके लिए थोड़ा सा डिले हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, ये रहा हमारा शार्क फिक एंटीना, आप ऊपर पढ़ सकते हैं AM/FM कार रेडियो एंटीना, ठीक है। और ये भाई अपना गोदरेज के मैंने दो आइटम मंगाई है जो ऑर्डर की हुई थी, वो एट द एंड आ गई है। और भाई जो हमें रूफ रिल्स लगाने के लिए और शार्क फिक एंटीना लगाने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी, प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी गोलियों की, जो पहले मैंने आपको दिखाया था, ये 250 रुपये का प्राइस है इसका। ये थोड़ी सी कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी। और भाई अपना पेचकस प्लास जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो दोनों आइटम मैंने रख लिया अगर इनकेस ज़रूरत पड़ जाए तो। भाई ये रही अपनी रूफ रिल्स, काफ़ी बड़ी है यार, ठीक है। तो भाई ऊपर पर आप पढ़ सकते हो सोनेट और MRP भी लिखी हुई है 3750। तो भाई प्राइस आप मत देखो, तो फिलहाल वीडियो के एंड में मैं आपको उसका प्राइस भी बता दूंगा और रूफ रिल्स का भी बता दूंगा। बहुत सारे भाई पूछ रहे थे रूफ रिल्स और शार्क फिक एंटीना का प्राइस बताओ, तो गाइज वो इस वीडियो में कवर होने वाला है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारा प्राइस बता दिया था जो अपने क्रोम किट का था, 2450 रुपये की मैंने ये ली थी। तो बहुत सारे भाई कह रहे थे कि यार ये जो क्रोम किट है वो यहाँ तक क्यों नहीं जा रही। तो भाई ये चार ही पीस में आती है अभी तक, जो है ना इसकी मार्केट में पूरी किट आई नहीं है। प्रॉपर किट लेना चाहते हो तो 4800 रुपये की है, तो आप इजीली ले सकते हो। और रही बात, एक भाई ने और पूछा था जो भाई इसकी लाइफ है वो कितने टाइम तक की है, ठीक है। तो भाई वो मैं धीरे धीरे जो भी है जब तक यूज़ करूँगा, अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर आता है, हल्का सा भी लगता है मेरे को, तो इसकी मैं लाइफ के बारे में आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा जैसा भी होगा। अभी स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले शार्क फिक एंटीना, ठीक है। इसको इंस्टॉल करते हैं, वो मैं आपको वीडियो के साथ दिखाऊंगा पूरा प्रॉपर अच्छे से। प्लीज़ वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखना। और उसके बाद लगाएंगे रूफ रेल्स और वो जो बाकी का अपने दो आइटम है वो भी मैं लगा के दिखा दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये रहा अपना शार्क फिक एंटीना, इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो भाई इधर आ जाओ। तो भाई जैसे कि हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी। भाई ये ER कंपनी का होता है, ठीक है। तो इसमें भाई एक स्वैप टाइप का मिलता है, ये सारी चीज़ें साइड रखते हैं। और भाई इसमें कुछ ना ये नट बोल्ट टाइप में मिलते हैं, ठीक है। और भाई ये एट दी एंड फाइनली जो निकल के आता है भाई, ये हमारा ER यहाँ पर भी आपको बैजिंग मिल जाएगी। शार्क फिक एंटीना ये मिलता है, इसमें यूज़र मैनुअल है, ठीक है। तो भाई अपने को तो पता है आप यहाँ से रीड आउट करके जो है ईजिली इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता है भाई, ठीक है। और बाकी ये जो है इसमें एक वायर मिलती है ये वाली, और इसका जो एंटीने का जो वर्क होता है ना वो यहाँ से होता है, ठीक है, हेड तक होता है इसके। तो इसको लगाने का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये 3M की टेप होती है भाई, इसको लगाते टाइम ना एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, ये पूरा जो है ना सेंटर में होना चाहिए आगे से, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जो ओपन करने का तरीका होता है भाई ऐसे होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन नट टाइप का होता है, ठीक है, ये नट होता है, इसी के ऊपर वो लग के ना वो कस जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये चीज़ इसके ऊपर मिलती है, मैंने अभी आपको दिखाया था। तो इसको जो है ना हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है, और इसको ना कस देना है। वो कसेगा किससे गाइस, वो इससे कसेगा, ठीक है। और इसकी ना अभी हम रेस भी चेक करेंगे FM पे कैसी निकल के आती है, मतलब नेटवर्किंग इशू में कोई दिक्कत आती है या नहीं आती, तो सारी चीज़ें हम इसमें चेक करेंगे भाई। अभी आप ये देखो, ये थोड़ा मोटा है, ये पतला है, और ये उससे भी पतला है, ठीक है। इसमें पेच में भी ना थोड़ा सा एक फ़र्क दे रखा है, जिस वजह से भाई ये इसमें कसेगा कौन से साइज़ का, ठीक है, वो हम देख लेते हैं पहले। ये भी नहीं कस रहा, ये इसमें कस जाएगा इजीली, ये देखो भाई ये इजीली कस गया है। तो यही इसमें लगेगा, ठीक है भाई, ये वाला। जैसे कि आपको बताते हो इसमें चॉइस मिल जाती है आपका शार्क फिक एंटीना किस बिहाव पर और किस हिसाब से उसकी चूड़ी दे रखी है, ठीक है। तो इसमें लगेगा, पहले मैं इसमें लगा देता हूँ भाई, ये वाला इस तरीके से आपको रखना है। तो गाइस कस चुका है अपना ये, और अब इसको जो है ना हमें सीधा ऐसे रख के देना है, ठीक है। तो भाई अभी इसको मैं क्लीन करूँगा नीचे से पार्ट को, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और इसको ना सेंटर में लगा होना चाहिए। तो भाई मैंने इसको आगे से चेक करके आ गया हूँ, तो बिल्कुल सेंटर है ये, ठीक है। तो अभी इसको जो है कॉटन से साफ़ कर लेते हैं, प्राइमर से, जो इसका आउटर पार्ट है ना ये वाला, तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं जहाँ पर ये पेस्ट होगा। देखो गाइस आपको दिख रहा होगा ये नीला नीला सा होता है कुछ, मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में, तो वही चीज़ इसमें हमें मिल जाती है, ठीक है। प्राइमर से उस एरिया पे साफ़ करना है जहाँ पे भी ये लगेगा, ठीक है, बाकी तो ये हट जाता है कपड़े से, इजी टू यूज़ होता है। और अब जो है ना हमें इसे ऐसे स्नग फिट करना है बिल्कुल, जिससे पता भी ना चले।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो भाई अपना शार्क फिन एंटीना लग चुका है। इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये जो कलर है ना भाई अपना, ये स्टील सिल्वर है, थोड़ा लाइट सिल्वर है, ये थोड़ा सा डार्क आ जाता है। तो दैट्स वाई भाई थोड़ा सा ना आपको 19-20 लगेगा। अगर यही गाड़ी होती ना भाई वाइट, तो भाई पता भी नहीं चलता। मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ। तो भाई देखो फ्रंट से बिल्कुल ना एक्यूरेट लग रहा है, कोई ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिक्कत वाली बात है। मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको, टेढ़ा नहीं है, ठीक है, पता भी नहीं चल रहा। और पीछे से भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो भाई अपना शार्क फिन एंटीना जो है हो चुका है भाई इंस्टॉल अपनी गाड़ी के अंदर, और इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये रही अपनी रूफ रिल्स, निकालना तो भाई देख लो, इसमें भी लिखा रहता है, ठीक है भाई। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी पैकिंग काफ़ी बढ़िया आती है, ये देखो भाई, ठीक है, तो बढ़िया लग रही है भाई, ठीक है। और यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हो लेफ्ट साइड की है, तो भाई ये लेफ्ट साइड में लगेगी। पहले लेफ्ट साइड की लगाते हैं, फिर भाई राइट साइड की लगाएंगे। फिलहाल इसको ओपन करा मेरे जल्दी से, देख रहे हो भाई पहले पन्नी में है, फिर उसके बाद यार ये अलग से जो है ना इसको को दोबारा से पैक कर रखा है। तो भाई मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये OEM फिनिश के साथ तो दिखेगा आपको, बाकी इसमें नट बोल्ट कसने वाला सिस्टम नहीं होता, ठीक है। बाकी ये 3M की टेप होती है नीचे की तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। ये 3M की टेप होती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड का है, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर पेस्ट करती है, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको वार्निंग भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो है सामान वामान रखने के लिए मना करा हुआ है, ठीक है। और केमिकल टू क्लीन से, केमिकल से भी जो है ना इसको क्लीन नहीं करना, ठीक है, तो मना करा हुआ है भाई। रखियो आमिर एक बार। तो देखो भाई ये बिल्कुल इस पॉइंट से जो है ना, इस पॉइंट से कनेक्ट होके, और ये जो है भाई अपना यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये बाकी जो अगर ओरिजिनल होती है ना भाई, तो उसका ओरिजिनल का यहाँ तक रहता है, बाकी इसमें पता नहीं भाई यहाँ तक क्यों दिखा रहा है। और फिलहाल मैं आपको फ्रंट लुक दिखाऊं, तो भाई ऐसा दिखने में फिलहाल जो है भाई, मैं दोनों रखता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली ना हमने दोनों की दोनों रूफ रिल्स रख दी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो भाई, ये अपनी लेफ्ट की है और वो भाई अपनी राइट की है। अभी ये पेस्ट नहीं की है, पर भाई जो लुक निकल के आ रहा है ना दूर से देखो भाई, मतलब एक हैवी हैवी सी लग रही है भाई, मतलब एक लग रहा है ना हाइट भी बढ़ गई हो भाई गाड़ी की। अब बाकी मैं इधर से दिखा देता हूँ भाई आपको, देखो भाई क्या रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। और बाकी पीछे से भी दिखा देता हूँ भाई, देख लो भाई, होगी ना भाई HTK+ पूरी की पूरी भाई, कोई कह ही नहीं सकता कि ये भाई HTK+ नहीं है। अगर हाँ, अगर इसमें डिफोगर होता ना अपना यहाँ पर, तो भाई ये HTK+ पूरी प्रॉपर लगती। बाकी आप रिस्पॉन्स ज़रूर बताना भाई कमेंट बॉक्स में। और फिलहाल अभी इसको पेस्ट करते हैं, वही प्रोसेस होगा अपना, जो भाई अपना ये प्राइमर है इससे पहले क्लीन करते हैं कॉटन से यहाँ पर, और उसके बाद फिर इसको लगाते हैं भाई, ठीक है। भाई फाइनली आप देख सकते हो एक तरफ की भाई हमने अपना रूफ रिल लगा दी है, और बाकी भाई इसका फ्रंट से लुक दिखाऊं तो ऐसा निकल के आता है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल स्नग फिट आ चुकी है भाई अपनी, ठीक है, पास से भी दिखा देता हूं। बिल्कुल भाई मैंने इसकी शेप से लिया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो भाई, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो भाई बिल्कुल शेप से आई है यहाँ से, और इसका जो एंड ख़त्म हुआ है भाई यहाँ पर हुआ है, ठीक है, बिल्कुल स्नग फिट आई है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब लगाते हैं भाई दूसरी, उसका भी प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो भाई अपनी गाड़ी में रूफ रिल्स लग चुकी हैं, और भाई लगने के बाद ना एक अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है भाई, देखो पूरा का पूरा एक हैवी लुक लग रहा है गाड़ी पे देखने के बाद, जैसे कि मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। और रूफ रिल्स पूरी स्नग फिट आई है, कहीं से भी करो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई, ठीक है। साइड का लुक मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, लग रही है ना भाई हैवी दमदार गाड़ी लग रही है भाई बिल्कुल। और ये यहाँ पर अपना वार्निंग और क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। और साइड का लुक ऐसा निकल के आता है भाई, कैसी लग रही है भाई आमिर? हैवी सी लग रही है ना, अच्छा लुक भी आ रहा है। चलो भाई HTK+ HTK+
तो भाई पीछे से देख लो भाई, पीछे का लुक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई कैसा लग रहा है। भाई खुद लगाई है, खुद ने मेहनत की है, तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कैसी लग रही है। साइड लुक भी बताना भाई इसका, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ भाई शार्कफिन एंटीना जो हमने लगाया है वो वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा FM मोड पे। तो भाई ये लगाई हमने इग्निशन। तो भाई गाने में ज़्यादा सुनाऊंगा नहीं, प्लीज़ इस चीज़ को हर्ट मत करना। मेरे जो अकाउंट का नाम है भाई इंस्टाग्राम पे आ रहा होगा, तो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, यहीं आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा, तो उस पर मैं एक प्रॉपर जो है ना एक गाना सुना दूंगा आपको जो भी है 30 सेकंड का, ठीक है। तो फिलहाल इसमें मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं एक दोस्त था टीना बीच, तो भाई एट दी एंड फाइनली अपने सारे चैनल वर्क कर रहे हैं, कोई भी एक चैनल ऐसा नहीं गया जिसपे भाई ये वर्क नहीं कर रहा हो, जैसे कि मैंने आपको सारी चीजें चेक करा दी है। तो एट दी एंड भाई ये वर्क करता है, मैंने इसकी वायरिंग जो है जैसे कि आपको बताया था और दिखाया भी था इसके अंदर ही लगती है और उसको मैंने अच्छे से कस दिया था। तो इसको ओपन करके इसको भी लगाते हैं दोनों आइटमों को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी भाई एक चीज मेरे से मिस हो गई, सॉरी उसके लिए। तो भाई ये अपने टैडी हमने लगाया था अभी कुछ टाइम पहले, तो भाई बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर यार कैसा लग रहा है, ठीक है। काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा था तो दैट्स वाई भाई मैंने इसको परचेज़ कर लिया था, अराउंड कुछ 200 रुपीज़ का था। तो अभी फ़िलहाल इसको लगाते हैं भाई, खोल आमिर, ठीक है। तो भाई ये ऐसा आता है गोदरेज का, ये देखो भाई, ठीक है, ऐसा कुछ दिखने में लगता है। तो ये चीज़ ऐसे ओपन हो जाती है और ऐसे क्लोज हो जाती है। अगर आपको गाड़ी में कोई बैठा नहीं और लॉन्ग टाइम तक खड़े है तो भाई इसको बंद कर दो, और अगर खोलना है तो अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो ये ओपन कर लो, ठीक है भाई। जैसे कि देख रहे हो भाई इसको यहाँ पर भी चिपकाने की कोशिश कर ली हमने, ठीक है, और भाई इसको यहाँ पर भी चिपकाने की कोशिश कर ली, भाई कहीं पे भी नहीं चिपक रहा है, ठीक है। हो सकता है भाई पुलिस ज़्यादा लगने की वजह से हो रहा हो। तो फिलहाल ना मैं अभी पता क्या कर रहा हूँ भाई, देखो ये 3M की टेप भी मैं लेके आया था, ठीक है, स्पेशली इसी के लिए। अब भाई पता नहीं वो भी वेस्ट गई यार, अब देखते हैं भाई किसी काम में आ जाएगी। अभी फिलहाल जो है ना इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्नग फिट आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल भी गैप नहीं है। ग्लास होल्डर जो मिलते हैं ना भाई एक कवर हो जाएगा, बाकी दूसरा तो ओपन रहेगा देखा जाए तो। भाई अब सिंगल ही चलते हैं भाई, गाड़ी में मैं ही चलता हूँ, और कभी कोई फैमिली मेम्बर चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई, अपना आराम से यहाँ से हटाओ और अपना कुछ भी कर लो, ठीक है भाई। या फिर इसको आप यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पर भी रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तो भाई मैं इसको यहीं पर ही रख रहा हूँ, और जब भी इसको ओपन करना है तो आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो, ठीक है, और अपना आराम से वर्क होना स्टार्ट हो जाता है। अभी फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ ओपन करके भाई इसका रिस्पॉन्स कैसा है। इसको जो है हमें यहाँ पर ऐसे रख देना है, और भाई ये हो गया, ठीक है। अब फिलहाल भाई मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर भाई को पैसेंजर साइड बंदा कम चलता है, ड्राइवर साइड ही ज़्यादा चलता है, तो भाई मैं ही गाड़ी चलाता हूँ तो इसलिए भाई स्मेलिंग इधर होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आप इसको इधर भी लगा सकते हो। भाई जैसे कि आपने देख लिया होगा रूफ रिल शार्कफिन एंटीना और अंदर जो परफ्यूम था उसकी स्मेल बहुत बढ़िया है, जैसे कि आपने देख लिया होगा भाई लेमन फ्लेवर में, वही मुझे ज़्यादा पसंद है और मैंने रिफिल भी उसी की वही मंगाई है जो AC वेंट के सामने लगती है। अब बात कर लेते हैं एट दी एंड भाई प्राइसिंग की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था भाई इस पे जो प्राइस है 3750 रुपये है, बट भाई ये जो मेरे को कॉस्ट करा है इसने जितेंद्र जी थे उन्हीं से ही मैंने इसको परचेस किया है 1500 रुपीज़ में ओनली। अब मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट में भाई जो इसकी प्राइस चल रही है इस टाइम पे करोल बाग में वो चल रही है भाई 2700, 2500, 2800, 3500, तो ये सारे रेट उन्होंने मुझे बताए थे। उन्होंने भाई मेरे को 1500 रुपये में दे दी थी, इससे भी थर्ड क्वालिटी थी भाई उनके पास, ठीक है, जो वो मुझे 2700, 2800 में दे रहे थे। बट भाई इसकी पैकिंग आपने देखी होगी, देख रहे हो आप कितनी बढ़िया पैकिंग में होके आती है। अब बात कर लेते भाई नेक्स्ट अपना शार्कफिन एंटीना की, तो इसका जो रिस्पॉन्स है भाई ऐसा है, ER कंपनी का है, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, तो इसने मुझे कॉस्ट किया है भाई 400 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं भाई जो AC के वेंट के सामने लगा है इसने मुझे कॉस्ट किया है 299, और बाकी जो भाई ये परफ्यूम जो गाड़ी में रखा रहेगा गोदरेज का ये भी 379, ठीक है भाई, जैसे कि आप फ्रंट से भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर ली है गाड़ी में, और रही बात तो भाई अब साइड लुक की, आप देख सकते हो, एक बार आपको फ्रंट लुक दोबारा से दिखा देता हूँ, तो भाई देख लो, ठीक है, मज़ा आ गया भाई काम करके, और अपने जो रूफ रिल से भाई जेन्युइन लग रही है गाड़ी, भारी भारी सी लग रही है। अब कोई भी साइड लुक देख के ये नहीं बोल सकता कि भाई गाड़ी में कोई कमी है। और भाई एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी थी मेरे को, जो भाई मेरी गलती है जो मैंने नहीं करी, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई एक स्टीकर लगा हुआ रहता है प्लीज़ रिमूव इट बिफोर डिलीवरी,
तो भाई इसको ना हटा देना प्लीज़, ठीक है, जिससे कि आपकी कोई भी क्वायरी होती है ना, डिटेल्स जो होती है गाड़ी से रिलेटेड वो सारी इसी के अंदर ही होती है, तो डिलीवरी से पहले पहले इसे हटा देना चाहिए। उसके लिए सॉरी भाई, मैंने नहीं हटाया था। और अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैसा लगा भाई आपको रूफ रिल्स और शार्क फिन एंटीना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना भाई। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।